कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से मॉन्स्टर हंटर में। काफ़ी टाइम से मैंने नई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि व्यूज़ वगैरह मेरे को कम आ रहे थे और एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की जगह छोटे फाइट्स ही डालूँ मैं, तो आज से वही करूँगा मैं। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ गेम के आखिरी फाइनल बॉस वाले मॉन्स्टर पे, और मैं ही अपने पुराने अकाउंट से आया हूँ क्योंकि गेम में कंप्लीट कर चुका हूँ और ये सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड आर्मर और स्किल सेट है मेरा, तो वही करेंगे। इस मॉन्स्टर का नाम है फिटालिस, लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन, देख ही सकते हो इसको, शक्ल ही कितनी ज़्यादा मेनेसिंग है इसकी। नहीं 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 नहीं, शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है। ओके, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद अगर खेल रहा हूँ तो आखिरी बॉस से थोड़ा प्रैक्टिस घट चुका है मेरा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत की फाइट में ही इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, ठीक है, सह लेंगे। तो जैसा कि देखकर ही पता लग रहा होगा कि इसके मूव सेट बहुत ही ज़्यादा फाउल मूव सेट है, बहुत जल्दी जल्दी ये हेल्थ ड्रेन करता है। तो इसके सर को मैं जल्दी से टेंडराइज कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि फिटालिस के फाइट में ऐसा ज़रूरी होता है कि इसके सर को मुझे दो बार तोड़ना है। अगर नहीं तोड़ा तो इसकी फ्रेम्स की पावर बढ़ती जाती है। फोरसाइट, नाइस, फोरसाइट, नाइस, एक बार फिर से, इस बार नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। आइडियली इसके फेस में मारना सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन जब ये दो पैरों पर खड़ा होता है। फोरसाइट, नाइस, हेडशॉट, नाइस, ओके, एक और बार, बढ़िया। गलत टाइम पे फोरसाइट हुआ, देख ही सकते हो एक ही बार में ये आधी हेल्थ खाता है। वो बहुत ही बुरा मूव था उसका, अगर वो मुझे पड़ जाता, भले ही मेरे पास फिटालिस का ही आर्मर हो, वो मुझे वन शॉट कर सकता था। हट जाता हूँ यहाँ से, कॉर्नर हो चुका हूँ मैं यहाँ पे। फोरसाइट, नहीं हो पाया कुछ, बढ़िया, रेड गेज मेरा खत्म होने वाला है, बढ़िया। इसी तरीके से हल्के हल्के डैमेज दे दे करके उसके सर को तोड़ना है मुझे, बढ़िया, नाइस, बढ़िया मौका है, रेड गेज फुल है और ये लगा दिया मैंने हेल्थ ब्रेकर, सही टाइम पे डॉज। निकल जा, नाइस, ये मौका सही होता है उसके चेस्ट को टेंडराइज करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया। फोरसाइट, एग्रो खत्म हो चुका है उसका, देख ही सकते हो, एक, दो, और ये तीन। इसको वॉल बैंग भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्रो करने के लिए
ये तरीका यूजुअली काम करता है सबसे ज़्यादा। ओके बढ़िया टाइम, हल्का सा नाइस। बढ़िया, अच्छा मौका है ये। नहीं यार, अगर उसके हाथ पे लगता तो हेल्म ब्रेकर लगा सकता था मैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, सही टाइमिंग। एक और बार। तो यार बेसिकली फ्लेम बीटिंग का ट्रिक ये है कि जैसे ही वो जमीन पे एक मतलब लहर मारता है आग का, तो उसको आई फ्रेम करना है। तो जैसे आई फ्रेम करते हैं ना, तो उसको फ्लेम मारने के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, जिसकी मैंने अभी किया। तो वही सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको फ्लेम वेट करने का। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, टेम्पोरल मैंटल ले लूँगा, ये ले लूँगा और स्मोक बॉम्ब डालूंगा। स्मोक बॉम्ब बेसिकली क्या होता है ना, निंजा टेक्निक होती है यार, निंजा हथौड़ी वगैरह में तुमने देखा होगा। ओहो देख सकते हो अभी हॉर्न टूट चुका है उसका, और हॉर्न इसलिए नहीं टूटा कि मैंने उसको गन से मारा, हॉर्न इसलिए टूटा कि फर्स्ट फेज में मैंने उसको बहुत ज़्यादा हेड डैमेज दे दिया था। तो पहला फेज हो चुका है हेड का, अभी और दो नहीं और शायद एक फेज बाकी है हेड टूटने का। भागो यहाँ से, उसका ये वाले अटैक से मुझे बहुत डर लगता है। वैसे अभी तो मैंने टेम्पोरल मेंटल पहन रखा है तो कुछ होने वाला है नहीं, बट स्टिल यार ये अच्छा नहीं लगता मेरे को, स्पैम करने लगा है अभी तो ये। चेस्ट को टेंडराइज कर दूंगा, नाइस। ओहो सही टाइम से हट नहीं पाया मैं। चल कौन मार नहीं, फ्लेम थ्रोर रहा। बढ़िया, तो यही करना है इसको। अरे नहीं यार, चलो कोई नहीं, शॉट बेकार नहीं गया एटलीस्ट। नाइस, टेम्पोरल मेंटल का इफेक्ट खत्म हो चुका है। एक और बार, एजिटेटर का इफेक्ट भी खत्म हो चुका है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अरे यार मेरे पास शूटिंग के लिए कुछ एमो वगैरह नहीं है, तो एमो ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा पड़ा हुआ है, सही है। तो जैसे ये चार पैरों पे आता है ना, मैं इसको वॉल बैंक दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी वॉल बैंक से बेटर मौका मिला है मेरे को हेड में डैमेज देने का। तो अगर चॉइस मिलता है कि वॉल बैंक देने का या फिर क्या कहते हैं हेल्म ब्रेकर देने का हेड पे, तो हमेशा हेल्म ब्रेकर चूज करना ही बेटर है। फिर से हेड को टेंडराइज कर दूंगा, देख सकते हो यार ये है वॉल बैंक। तो वॉल बैंक करने से गुस्सा आने वाला है। फोरसाइट, बढ़िया, तो जैसे ही हल्का हल्का सा मौका मिलता है उसके हेड को धीरे धीरे डैमेज देते जाना है। इस
इसका एआई भी बहुत खतरनाक है। ओहो, एक पहल सेकेंड ही फेज में मैंने दोनों फॉर्म्स उसके तोड़ दिए। अभी थर्ड फेज शुरू होने वाला है। बढ़िया, दो तीन चार पांच, तैयार हो चुका है शुरू इसका थर्ड फेज। थर्ड फेज में बेसिकली क्या करना होता है, इस टंकी के पास जाना होता है और इसको क्लोज करना होता है। थर्ड फेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड फेज शुरू होने से पहले ही उसका ये एनिमेशन प्ले होता है, और अगर इस टाइम पे मैं एकदम मैप के एंड पे रहता तो मुझे आने में प्रॉब्लम होती, देर लगती, तब तक शायद से ये जला चुका होता। इवेजन मेंटल मैंने डाल लिया है, बहुत जल्दी डाल लिया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और याद होगा एक बाइंडर उठाया था मैंने उधर से, तो वो अभी मैं यूज करूंगा। दो बाइंडर्स मिलते हैं इस गेम में, में क्या रहता है ना, इसके जितने भी मूव सेट्स हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करने लगता है जितने भी मूव सेट्स हैं। तो अभी जैसे कि देखा ही होगा यहाँ पे, जो उसका फ्लेम थ्रोर वाला मूव सेट था उससे कितनी जल्दी उसने रिकवर किया और मैं कॉम्बो कंप्लीट नहीं कर पाया उस पर। थर्ड फेज में उसके एनिमेशन वगैरह तेज हो जाते हैं, उसके डैमेजेस ज्यादा होने लग जाते हैं, बट क्योंकि मैंने उसके दोनों हॉर्न्स तोड़ दिए हैं मेरे को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेस्ट पर ही फोकस कर सकता हूँ क्योंकि चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो जाता है थर्ड फेज में। अरे यार, बहुत गलत टाइमिंग थी। जल्दी से मैं हेल्थ रिकवर कर लूँगा। फेटालिस कैनोनिकली आधा अंधा रहता है वैसे। बढ़िया, थोड़ा रुक के लूंगा मैं। बढ़िया, फिर से थर्ड फेज में थोड़ा डिफेंसिव खेलना बेटर रहता है क्योंकि उसके मूव सेट ही इतने खतरनाक हो जाते हैं कि। बढ़िया, नाइस, बढ़िया, ओके। बार बार एक ही मूव को स्पैम कर रहा है मेरे पीछे, काफी ज्यादा टाइम हो गया। मैंने पैरों पे लगी उसके शॉट, ज्यादा डैमेज किया नहीं, वाइट डैमेज था वो पूरा ही। नाइस, एजिटेटर इफेक्ट खत्म हो चुका है तो इसको वॉल बैंक देना पड़ेगा मुझे। पत्थर उठाया मैंने, लेकिन पत्थर ज्यादा कुछ फायदेमंद है नहीं। फोरसाइट, रेड गेज फुल, बढ़िया, नीचे गिर, एक दो, वॉल बैंक लगी, नाइस। फोरसाइट, इनसाइड, और ये देख सकते हो फेटालिस के पोजीशन तक हेड करना है, मतलब बेसिकली उसके वहां तक पहुंचना है।
तो ये था उसका सेकेंड फ्लेम। अगर इस सेकेंड फ्लेम में मैं आ जाता तो मैं खत्म था उस टाइम पे, भले ही मेरी कितनी भी ज्यादा हेल्थ। मैक्स पोशन की उसके लिए की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ड्रिंक्स पी सकता हूं मैं। जस्ट टेंडराइज फिर से करना पड़ेगा, खत्म हो चुका है अभी तो। बढ़िया मौका है ये टेंडराइज करने का। इसमें थोड़ा रुक के टेंडराइज करना चाहिए क्योंकि अरे बाप रे, क्योंकि ये फ्लेम थ्रोर एक बार लग गया तो ऑलमोस्ट 75% हेल्थ चली जाती है। ओके, तो देख ही सकते हो फेटालिस हवा में आ चुका है। मैं क्या करूंगा ना, कुछ स्मोक बॉम्ब क्राफ्ट करूंगा। स्मोक बॉम्ब से क्या होता है ना, फेटालिस अपने को देख नहीं सकता, और जब वो अपने को देख नहीं पाता तो वो हवा से नीचे आ जाता है। ये देखो मिनी मैप में भी पर्पल कलर दिखाने लगा है, जो एक सही चीज है। डॉज रोल नहीं कर पाया मैं उसके रोड को, कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी हैंडलर ने अपने को कहा है ड्रैगन ईटर इज रेडी फॉर यूज। तो यहां पर है ड्रैगन ईटर का हैंडल। किस्मत अच्छी है, पहले ही आ गया फेटालिस इस तरफ। ये मैंने क्या किया, पॉज बटन क्यों दबाया मैंने। बढ़िया, यार प्रूफ ऑफ अ हीरो म्यूजिक प्ले होने लगा है। फेटालिस अभी बचेगा नहीं। अरे यार बहुत अति शीघ्र एक्साइटेड हो गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। देख ही सकते हो जो मैंने कहा था, ऑलमोस्ट 75% हेल्थ चली जाती है। इस बार अगर सेकेंड फ्लेम में आ गया तो सही में मरूंगा मैं। देख ही सकते हो कितनी जल्दी उसने हेल्थ खत्म की मेरी। मेगा पोशन दो पीने पड़ेंगे मेरे को अभी। और जैसा कि अपनी हैंडलर ने कहा, रोमिंग बलिस्टा अपना फिर से तैयार है। तो जितने भी एमओ वगैरह की चीजें होती है, अरे बाप रे, हैवी आर्टिलरी स्किल से एमओ वगैरह बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, तो मैं वही यूज करूंगा। और टेम्पोरल मैंटल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टेम्पोरल मैंटल में मैंने 2 points ऑफ हैवी आर्टिलरी डाल रखे हैं। 54 डैमेज, इसके उठने का वेट करूंगा फिर मारूंगा मैं। देख ही सकते हो मैप में स्केलेटन का निशान आ चुका है, जल्दी उठ यार। बढ़िया, और फेटालिस खत्म। फाइट भले ही अभी देखने में इजी लग रही होगी, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट फाइट्स है। वन ऑफ द क्या, अब आई मीन अब तक का सबसे टफेस्ट फाइट है मॉन्स्टर हंटर पे। हेड को दो बार ब्रेक करने का नतीजा ये होता है कि हमें फेटालिस का आंख मिल जाता है, और फेटालिस का ईवेल आए। इसका मतलब जो है, फेटालिस का जो मेंटल ड्रॉप है, जैसे कि सबसे जो रेयरेस्ट मटेरियल ड्रॉप होते हैं मॉन्स्टर में, जैसे किसी का जेम होता है या फिर किसी का मेंटल होता है, फेटालिस का जो ईवेल आई है वो इसका मेंटल ड्रॉप है। तो अगर दो बार हेड ब्रेक हुआ तो ईवेल आई ड्रॉप गारंटी होता है। तो अभी तुम देखोगे जैसे ही टाइमर शुरू हो चुका है, अभी 20 सेकेंड बचे हैं हंट ख़त्म होने के लिए। तो जैसे ही हंट ख़त्म होता है, हंट के क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल लिस्टिंग होती है, अगर फेटालिस ईवेल आई करके एक ड्रॉप रहता है, और फेटालिस के वेपन्स और आर्मर्स क्राफ्ट करने के लिए ईवेल आई जो है मैंडेटोरी है, लाइक उसको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हो यार, ये है फेटालिस ईवेल आई, राइट। तो देख ही सकते हो ये मेरे पास कितने हैं। सेंड टू बॉक्स, ऑलमोस्ट मेरे पास एटलीस्ट 100 फेटालिस की ईवेल आई तो होंगे ही।
ये फेटालिस से मैं 100 से ज़्यादा बार लड़ चुका हूँ। खैर तो ये था यार फेटालिस हंट। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ और मॉन्स्टर को हंट करेंगे और कुछ नए इवेंट क्वेस्ट वगैरह खेलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।